तो किसान आंदोलन पर सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसान आंदोलन पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसान आंदोलन पर सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे किसान, और ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने 15 जिलों में धारा 144 लगाई है। संवेदनशील जिलों में पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रदर्शन और मार्च पर प्रतिबंध लगा है। सरकार ने सिरसा में 2 टेम्पररी जेल भी बनाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां किसान आंदोलन में सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे, और ऐसे में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। प्रशासन ने 15 जिलों में धारा 144 लागू की है। इसके अलावा संवेदनशील जिलों में पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, और सरकार ने सिरसा में टेम्पररी जेल भी बनाई है। तो कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और खास तौर पर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है, और खास तौर पर जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर है वहां पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है, और ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रही है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुरविंदर सिंह पन्नू हमारे साथ जुड़ गए। गुरविंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 13 तारीख को जो किसान है वो दिल्ली कूच करेंगे, और ऐसे में अगर हरियाणा पंजाब बॉर्डर की बात की जाए तो किस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए जागृति, हरियाणा में अगर बात करें तो सबसे जो बड़ी प्रशासन की निगाह सिरसा प्रशासन की डबवाली पुलिस जिला की, वो डबवाली के पंजाब बॉर्डर पर है, क्योंकि पंजाब का एंट्रेंस यहीं से शुरू होता है हरियाणा के लिए, और इसलिए पुलिस सबसे ज्यादा सख्ती और एक मजबूत किलाबंदी के तौर पर जो घेरा है मजबूती का और सुरक्षा का, वो डवाली में ही अख्तियार कर रही है। जिसको लेकर आप समझ सकते हैं कि इस बार जो 13 फरवरी की दिल्ली कूच को लेकर जिस तरीके से जो संयुक्त किसान मोर्चा व किसान मजदूर मोर्चा गैर राजनीति की ओर से जो ऐलान किया गया है, और ऐसी आशंका है कि इस बार अगर प्रशासन की तरफ से मजबूत किलाबंदी होती है तो कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों को हरियाणा में एंटर करना बड़ा मुश्किल होगा। और यही संकेत सबसे बड़े हैं कि जिस तरीके से डवाली जो पंजाब बॉर्डर में, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे 54, जैसे बठिंडा नाका बोला जाता है, बठिंडा का हाईवे है, तो ये डवाली से आप देखेंगे तो सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी पर पंजाब का बॉर्डर शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक मजबूत किलाबंदी की गई है, मजबूत पत्थर रखे गए हैं। और दूसरे अगर नाके की बात करें तो वो जो पंजाब और हरियाणा की कनेक्टिविटी करवाने वाला जो एक रेलवे का पुल है, नेशनल हाईवे 9 पड़ता है मलोट हाईवे, उसके ऊपर जो ऊपरगामी पुल है उसके ऊपर वन वे हाईवे किया गया है, और नीचे जो अंडर ब्रिज था रेलवे का उसको पूर्ण तरीके से प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो डवाली शहर से जितने भी पंजाब के कनेक्टिविटी के छोटे मोटे रास्ते हैं वहां पर भी कई जगहों पर पत्थर रखे गए, तो कई जगह पर वन वे करते हुए वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके साथ साथ जो सिरसा को कई कंपनियां हैं वो जो सैनिकों की मिली है उनको भी डवाली में तैनात किया गया है। हर तरीके से चाक चौबंद प्रबंध किए गए, यानी कि सबसे बड़ी बात है पंजाब से आने वाले वाहनों को हरियाणा में प्रवेश नहीं है, लेकिन जो हरियाणा से पंजाब में दाखिल होना चाहते हैं उनको जरूर चेक पोस्ट पर तमाम जो पूछताछ के बाद उनको एंट्री जरूर दी जा रही है। लेकिन एक बहुत एक कड़ी व्यवस्था जो कि कानूनन तौर पर की गई है, और ये डवाली प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी किएगी कि कानून व्यवस्था को किसी भी सूरत में उसके ऊपर कोई डेंट नहीं पड़ने दिया जाएगा, और इसको लेकर मुस्तैदी के साथ जो प्रशासन है वो घेराबंदी को मजबूत करने में जुटा है। सबसे अहम बात है कि इस बार प्रशासन की सबसे सख्ती इस बात से लेकर भी नजर आ रही है क्योंकि हरियाणा सरकार के जेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PVSN प्रसाद के आदेशों के मुताबिक चौधरी दलवीर सिंह इंडोर स्टेडियम सिरसा की बात की जाए, और डवाली के नेशनल हाईवे 9 के ऊपर गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम की अगर जागृति बात करें तो यहाँ पर भी डवाली में तत्काल प्रभाव से जो SI जेल है वो बना दी गई है, और DC सिरसा की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो अपने हेडक्वार्टर पर मौजूद रहेंगे, तमाम जो SDM है अपने अपने इलाकों में नाकों का भी निरीक्षण करेंगे, आवश्यक इंतजाम है वो वहां पर पुख्ता किए जाए, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट वहां पर नियुक्त किए गए हैं, निर्धारित स्थानों का
चयन करने के बाद उनका निरीक्षण कर लिया गया है। तो कड़ी निगरानी में रखा गया है, बैरिकेटिंग है, आवश्यक पुलिस बल को तैनात किया गया है, अधिकारी टीम वर्क से कार्य करे, आमजन को असुविधा न हो। और अगर किसी तरीके से कोई इमरजेंसी ऐसी वाहनों की होती है, कोई एम्बुलेंस आती है, कोई अगर मरीज वहां पर आता है हॉस्पिटल के लिए, तो उसको किस तरीके से दाखिल किया जाए बाउंड्री से, पंजाब बॉर्डर से हरियाणा में, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से जो कड़े बंदोबस्त है वो किए गए हैं। जी गुरविंदर, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि पंजाब से हरियाणा में एंटर करने वाले जो वाहन है उनको फिलहाल प्रतिबंध कर दिया गया, ऐसे में जो आम जनता है, या खासतौर पर आपने बात की कि आपातकाल सेवाएं, फिर चाहे एम्बुलेंस की हो या रोजमर्रा का जो सामान पंजाब से दिल्ली के लिए या फिर हरियाणा के लिए पहुंचता है, ऐसे में किस तरह से वो व्यवस्थाएं मेंटेन की गई हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जो जरूरी सामान या जरूरी काम के लिए जो लोग हरियाणा या दिल्ली आना चाहते हैं वो किस तरीके से प्रवेश कर सकते हैं? देखिए जागृति, इसको लेकर पुलिस की तरफ से पहले से ही रूट डाइवर्ट किए गए हैं। अगर पूरे आप सिरसा जिले की बात करेंगे तो अगर आप जो घग्गर के पास खैरेका का पुल है उसे भी पूर्ण तरीके से बंद किया गया है, जितने भी पंजाब के साथ लगते बॉर्डर थे उनको सील किया गया है। लेकिन इससे पहले ही प्रशासन की तरफ से रूट मैप भी तैयार किया गया है कि उन लोगों को जरूर है उनको किलोमीटर्स का जरूर उनको काफी ज्यादा तय करने पड़ेंगे, हो सकता है उनको एक घंटे का रास्ता 2-3 घंटों में तय करना पड़े, तो कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल जरूर हो रही है। और अगर आप बात देखेंगे जो बड़े हाईवे के ऊपर लगते नाके थे, वहां से जो गुजरने वाले लोग हैं तो उनको उन नाकों से पैदल चलकर आगे के लिए बढ़ना पड़ रहा है, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में जरूर मुश्किलात झेलनी पड़ रही है। और ये पिछले 2 दिनों से हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन की कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मजबूरी भी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखना चाहते हैं, क्योंकि आशंका ये है कि पंजाब से आज रात से ही या कल सुबह से हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जत्थे हैं वो पंजाब से हरियाणा की सीमा में दाखिल होंगे। और जहां पर इतनी मजबूत जो बैरिकेटिंग है, कहीं ना कहीं वो प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती तब होने वाली है जब वहां पर बहुत बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद के अंदर किसानों के जत्थे वहां पर पहुंचेंगे। और इससे पहले जो सिरसा के जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी कॉल कर दी गई है कि आज रात्रि से और कल अल सुबह से हजारों की संख्या में जो सैकड़ों किसान सिरसा के हैं वो डवाली पंजाब बॉर्डर पर शिफ्ट हो जाएंगे, और उनका मानना है कि हम वहां से पंजाब के किसानों को रिसीव करेंगे। लेकिन इस रिसीविंग के बीच में सबसे बड़ी बाधा तो किसानों के लिए बैरिकेटिंग है, और वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं चाहता है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का कोई ऐसा मिलन हो, ऐसी रिसीविंग हो कि वो दिल्ली के लिए कूच कर जाए। तो तमाम चुनौतियों के बीच में प्रशासन की तरफ से कोताही बरती जा रही है, सख्ती बरती जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है, बिल्कुल गुरविंदर, और हम तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने। जो 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे, ऐसे में प्रशासन ने हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लगाई है, और इसको लेकर के प्रशासन हर तरह से पैनी नजर बनाए हुए है।